नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। आज दोस्तों एक बहुत मजेदार बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और आप कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों बाहुबली जब फिल्म आई थी उस दौरान लोगों को ये विषय बना हुआ था कि बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और वो चर्चा अभी तक वो सवाल बना हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मैं आपको बताता हूँ। कटप्पा ने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि कटप्पा को पता था कि यही बाहुबली आगे जाके आदि पुरुष मूवी बनाएगा। एक बार की बात है, गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल का मालिक हमेशा अपने स्विमिंग पूल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करता था। एक दिन मैं भी गया उस स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। लेकिन नहाने के पहले जैसे ही मुलाकात मेरी उस स्विमिंग पूल के मालिक से हुई तो वो काफ़ी चिंतित और परेशान दिखे। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं परेशान इस बात से हूँ कि मैं अपने स्विमिंग पूल पे डेली 12,000 लीटर सुबह सुबह मैं पानी भरता हूँ, और शाम को ये स्विमिंग पूल पे पानी 13,000 लीटर कैसे हो जाता है? वीडियो के कमेंट में आप बताएं कैसे हो जाता है। अच्छा, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि शादी पार्टी पे जो बाराती डांस करते हैं, डांस करते करते वो टेंट के पीछे चले जाते हैं, और जब वो टेंट के पीछे से आते हैं तो और जोर जोर से डांस करने लगते हैं। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो टेंट के पीछे क्या करने जाते हैं। आपको पता है क्या? कमेंट में बताइए। सो दोस्तों, ये मजेदार वीडियो आपके लिए। जीवन में हंसते रहिए, हंसना भी जरूरी है क्योंकि आज के इस आधुनिक जिंदगी पे लोग हंसना ही भूल गए हैं। इसलिए वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इस चैनल पे आपके लिए अनेकों प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं, कुछ टैलेंटेड लोगों के, कुछ भजन, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही अपना स्नेह और प्यार बनाकर रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करिएगा। थैंक यू।